ठीक है। ऑल राइट, सो हमने थोड़ा थोड़ा टच किया, आप लोगों ने खुद ही आंसर्स दिए कि हाउ कैन वी डिफाइन अबनॉर्मैलिटी। सम ऑफ यू सेड कि जो हमारे आसपास के एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर्स हैं दैट आर नॉर्मल, एंड एनी बिहेवियर विच डिविएट्स और डिफर्स फ्रॉम दीज एक्सेप्टेबल सेट ऑफ बिहेवियर्स वो अबनॉर्मल है। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम डिविएंट बिहेवियर्स बोलते हैं। डिविएंट मीन्स बिहेवियर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम वट नॉर्मली सोशली पीपल आर एक्सपेक्टेड टू डू, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल डिवियंसी भी हो सकती है। नाउ वट इज स्टैटिस्टिकल डिवियंसी? जैसे हम किसी की इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यूजली इंटेलिजेंस का जो रेंज होता है एक आम आदमी का, दैट इज़ 100 to 120, 140, 80, 100, 120, ऐसे स्कोर्स आते हैं। नाउ एनीबडी हु हैज़ अ स्कोर ऑफ लेस देन 80, और उसको हम लोग यूजुअली साइंटिफिक टर्म्स में मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, राइट। और इफ़ समवन हु हैज़ एन आईक्यू ऑफ मोर देन 120, यानी कि वो बहुत एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट है, जिनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं, राइट। सो बोथ दीज थिंग्स दे आर डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल स्कोर्स ऑफ द पॉपुलेशन। जहाँ पे भी आपके स्कोर्स आ जाएंगे वहाँ हम उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं, एंड साइकोलॉजी में वी से स्टैटिस्टिकल डिविएंसी, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्कोर्स से किसी आदमी का स्कोर ऊपर या नीचे होता है, दैट इज डिविएंट फ्रॉम द नॉर्मल रेंज ऑफ स्कोर्स, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिविएंसी। नाउ दिस डिविएंसी कैन ऑल्सो बी सोशल डिविएंसी, जो आप लोग बात कर रहे हो कि सोशली जो नॉर्म्स हैं हमारे, जो रूल्स हैं, जो बोला जाता है कि ऐसे बिहेव करना है इन अ क्लासरूम सेटिंग और इन अ वर्क स्पेस सेटिंग, यू आर बाउंड टू कम ऑन टाइम। आप 9 बजे आओगे, पंच करोगे, काम करोगे, 5 बजे पंच आउट करोगे, दैट इज़ योर नॉर्मल सेट ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है। तो दिस डिविएंसी कैन बी बोथ स्टैटिस्टिकल एज वेल एज सोशल डिविएंसी। सो दैट इज़ वन क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग वॉट इज अबनॉर्मल बिहेवियर, राइट। द सेकेंड क्राइटेरिया इज सफरिंग और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी कि एनी सॉर्ट ऑफ पेन, साइकोलॉजिकल और फिजिकल पेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होती है हमेशा, एक होपलेसनेस फीलिंग होती है विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर दैट पर्सन। सिमिलरली उस पर्सन से रिलेटेड जो फैमिली मेम्बर्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे, दे विल ऑल्सो इवेंचुअली फील यू नो अ लिटिल एम्पथेटिक टूवर्ड्स हिम और हर, राइट। सो इफ अ पर्सन इज सफरिंग और इज इन एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ आ रहा है आप लोगों को? सो जब आपका क्लाइंट या जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो इंसान या फिर उस इंसान से जुड़े हुए लोग किसी को भी डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज़ अनदर क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग वॉट इज अबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? द थर्ड क्राइटेरिया इज मैल अडैप्टिवनेस। मैल अडैप्टिवनेस का क्या मतलब है? अडैप्टिवनेस का क्या मतलब है? मेकिंग इट फिट फॉर समथिंग। वो बिहेवियर्स जो आपको अपने एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, दोज आर योर अडैप्टिव बिहेवियर्स, और उस फिनोमेना को अडैप्टिवनेस बोलते हैं। नाउ देर आर अदर सेट ऑफ बिहेवियर्स जो आपको सर्वाइव करने के लिए या फिर एक सोशल ग्रुप में फिट इन करने के लिए नहीं बने होते हैं, दोज आर योर मैल अडैप्टिव बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, ठीक है, आप लोग बैठे हो एक पर्टिकुलर तरीके से। नाउ वॉट इफ समवन फ्रॉम यू गेट्स अप एंड स्टार्ट्स डांसिंग, क्या वो आपको क्लासरूम में फिट इन करने के लिए हेल्प कर रहा है इन अ क्लासरूम सेटिंग? माइट नॉट बी पॉसिबल, राइट। सो ऑल दोज बिहेवियर्स विच आर मैल अडैप्टिव और विच आर हार्मफुल फॉर योर सर्वाइवल, ये तो बहुत हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, पेशेंट्स विद बाइपोलर डिसऑर्डर और पेशेंट्स विद हाइपरमेनिया। मेनिया इज बहुत एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ एनर्जी। सो दीज पीपल यूजुअली इंडल्जेंस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, कटिंग होगी, ठीक है, बर्निंग के स्कार्स होंगे,
दे माइट स्टार्ट स्लैपिंग देमसेल्व्स. सो ऑल दीज आर मैलअडेप्टिव बिहेवियर्स, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं. सो दीज बिहेवियर्स आर नॉट हेल्पिंग यू टू सर्वाइव. दैट्स वाई दीज आर मैलअडेप्टिव बिहेवियर्स. अब लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. देर इज अ थीफ, राइट. अब वो किसी भी वजह से चोरी कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है. ही और शी इज कैरिंग अ नाइफ विद देमसेल्व्स. क्या ये बिहेवियर अडेप्टिव है? नो. बट वो तो चोर है, तो उसके लिए तो ये बिहेवियर नॉर्मल है, राइट. ऑन दी अदर हैंड, हमारे पुलिसमैन, दे कैरी गन्स एवरीवेयर. इवन एट देयर होम्स दे हैव देयर गन्स ऑन देयर स्टडी टेबल और ऑन देयर डिनर टेबल. फैमिली के लिए तो हो सकता है वो अनसेफ नहीं है, या कोई छोटा बच्चा है घर में तो वो अनसेफ है, ठीक है. बट क्या ये बिहेवियर अबनॉर्मल है? इट्स अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, राइट. तो क्या ये सारे क्राइटेरियाज इंडिविजुअली इनफ हैं एक अबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए? है? नहीं है, नहीं है, राइट. सो व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबनॉर्मल बिहेवियर्स, वी ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. इसमें बहुत मेजर रोल हमारी बायोलॉजिकल डिस्कवरीज का भी है, हमारे पेट स्कैन्स, MRI स्कैन्स, CT स्कैन्स, जो हमें हेल्प करते हैं टू लुक इनसाइड द ब्रेन्स, क्या कैसी फंक्शनिंग हो रही है, राइट. देन अनदर क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अबनॉर्मैलिटी इज सोशल डिस्कम्फर्ट. दिस इज सब्जेक्टिव टू द अदर पर्सन एक्सपीरियंस. सोशल डिस्कम्फर्ट का क्या मतलब है? आप भी नहीं फील कर रहे हो और आपके आसपास के लोग भी नहीं फील करते हैं. कोई मेंटल हॉस्पिटल विजिट किया है किसी ने कभी, या इन जनरल हॉस्पिटल्स विजिट किए हैं? इफ़ यू आर इन दैट एरिया फॉर क्वाइट सम टाइम, आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा. देर इज़ समबडी क्राइंग, देर इज़ समबडी शाउटिंग, देर इज़ समबडी हिटिंग देमसेल्व्स. ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. व्हेन आई वाज इन इभास एज एन इंटर्न, ये जो शहादरा में जिसको पागलों का हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है. सो आई वॉज इंटर्निंग देयर फॉर 2 मंथ्स एंड इट वॉज़ अ ह्यूज डिस्कम्फर्ट फॉर मी. मेरे को 6 से सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आई हैव टू बी देयर, एंड इट वॉज़ अ ह्यूज डिस्कम्फर्ट. क्योंकि देर कोई वहाँ पे चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई खुद को मार रहा है, कोई दूसरों को मार रहा है. सो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट हमेशा रहता है, राइट. बट अगेन दिस क्राइटेरिया इज नॉट सफिशियंट टू डिस्क्राइब अबनॉर्मैलिटी. चोर के आसपास तो सबको डिस्कम्फर्ट लगेगा, बट वो चोरी करना उसका प्रोफेशन है, राइट. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज इरैशनैलिटी एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी. इरैशनैलिटी मतलब तार्किकता ना होना. बोलो बोलो. कई सारे सेबों में एक आम है, ठीक है. और हाँ हाँ ठीक है. एंड व्हाट एल्स? प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इरैशनैलिटी मीन्स इलॉजिकल बिहेवियर्स. अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी जॉब पे अगर रोज जाके सो रहे हो, दैट इज़ नॉट लॉजिकल, दैट इज़ नॉट रैशनल, ठीक है. या अगर आपसे कोई बहुत प्यार से बात कर रहा है, आप उससे गुस्से से बात कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रैशनल. सो इरैशनल और इलॉजिकल बिहेवियर्स. एंड सेकेंड इज़ अनप्रडिक्टेबिलिटी. आपको नहीं पता सामने वाला बंदा अगला क्या कर सकता है, ठीक है. दे माइट स्टार्ट जंपिंग अराउंड. ये आप लोग देख सकते हो ADHD के बच्चों में. ADHD इज़ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये यूजुअली छोटे बच्चों में होता है, ठीक है. 2 से 7 साल के बच्चों में ADHD देखा जाता है. दे आर वेरी यस फोकस नहीं कर पाते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इफ़ दे आर सिटिंग एट वन प्लेस, अगले मिनट वो बेड पर जाके कूद रहे होंगे. तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते उनके बिहेवियर्स. सो दीज टू क्राइटेरियाज आर ऑल्सो इन्फेंट्स में नहीं होता है, अर्ली चाइल्डहुड. इन्फेंट्स हो गए, न्यू बॉर्न बेबीज जो खुद चल फिर नहीं पाते हैं, ठीक है. ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हम अपने 3rd या 4th यूनिट में कवर करेंगे. नेक्स्ट इज इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग. नाउ दिस क्राइटेरिया इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर डिफाइनिंग अबनॉर्मैलिटी. इम्पेयरमेंट यानी कि वॉट इज इम्पेयरमेंट? समथिंग टू पेयर? नहीं.
नहीं. इज देयर एनी प्रॉब्लम एट द बैक रिगार्डिंग अटेंडेंस? हो चुकी है तो वापस आके दे दो. इम्पेयरमेंट सिंपली मीन्स कर लो. आपको जो आपसे जो फंक्शंस एक्सपेक्टेड हैं आप वो नहीं फुलफिल कर पाते हो. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू विल स्टार्ट मे बी मिसिंग क्लासेस, क्लास में ध्यान नहीं लगा पाओगे. एंड बाय यू आई मीन इन जनरल पॉपुलेशन, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है? तो इफ़ देर इज़ समवन हु हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस, अगर वो स्टूडेंट लाइफ में है तो क्लासेस नहीं अटेंड करेगा, लो ग्रेड्स होंगे, आपस में क्लासमेट्स में नहीं बनती होगी, मे बी ही स्किप्स अ लॉट ऑफ क्लासेस जिसकी वजह से टीचर्स के साथ भी रैपो बिल्ड नहीं होता है, तो बेस कहीं ना कहीं उसकी स्कूल लाइफ ख़राब हो रही है. फिजिकल कंसिडर कर सकते हो, बॉडी और माइंड का ना बनना. हाँ यस, ठीक है. और इफ दैट पर्सन गेट्स इनटू तारे जमी पर, ठीक है, उसमें उसको लर्निंग डिसऑर्डर होता है, डिसलेक्सिया, विच इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है. यहीं पे अगर वो बच्चा बड़ा होगा और अगर वो प्रॉब्लम ट्रीट नहीं की गई, वो वर्क सेटिंग में जाएगा, वहाँ पे वो बॉस से लड़ेगा, ठीक है, उसका प्रमोशन नहीं होगा, वो 10 साल तक सेम जॉब पे काम कर रहा है, तो उसकी जॉब लाइफ भी इम्पेयर हो रही है. इम्पेयरमेंट सिंपली मीन्स डिसरप्शंस इन योर डे टू डे फंक्शनिंग, ठीक है. पीपल हु आर वेरी हाई ऑन डिप्रेसिव ट्रेट्स, वो लोग अपने पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखते, ठीक है. यू विल सी इन केस यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू इंटर्नशिप्स, आप लोग जाके देखना इसको कि पीपल विद वेरी सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं होगा, नहाए धोए नहीं होंगे, बहुत शैबी क्लोथ्स पहने होंगे, एंड दे आर ओके विद दैट. ऑन रोड भी काफ़ी दिख जाते हैं, ठीक है. सो ऑल दीज आर दी वेरियस क्राइटीरियाज थ्रू विच वन कैन एक्सप्लेन अबनॉर्मल बिहेवियर्स. एंड देन फाइनली रिस्क टू वन सेल्फ एंड अदर्स, जहाँ पे हम सुसाइडल इंजरीज के बारे में बात करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है. अब इस सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए एक डिसिप्लिन बना है विच इज़ अबनॉर्मल साइकोलॉजी. जैसे हमने फर्स्ट ईयर में एजुकेशनल साइकोलॉजी सुना होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी सुना है, काउंसिलिंग साइकोलॉजी सुना है. अबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ साइंटिफिक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ दोज डिसऑर्डर्स, ठीक है. कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल पिक्चर. क्लिनिकल पिक्चर यानी कि उस डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स हैं, राइट. और ये टर्म्स आप लोग अपने आंसर्स में भी यूज़ करेंगे. सो अबनॉर्मल साइकोलॉजी का सबसे पहला काम क्या है? टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिम्टम्स. सो बेसिकली टू जनरेट अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ दैट डिसऑर्डर. सेकेंड इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजल फैक्टर्स, क्यों हो रही है ये चीज़ें, ठीक है. उस कॉजल फैक्टर्स को हम ईटियोलॉजी बोलते हैं. ईटियोलॉजी आर योर कॉजल फैक्टर्स ऑफ एनी डिसऑर्डर्स. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया? ये हर डिसऑर्डर के लिए अलग है. जब हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए अलग क्राइटेरिया है. सो देर आर सेपरेट क्राइटेरियाज फॉर ईच ऑफ द डिसऑर्डर. जैसे एक जनरल फिजिशियन क्या करता है, आपके सिम्टम्स देखता है, टेम्परेचर कितना है, खांसी है कि नहीं, आपका बीपी चेक करेगा, वो सब चीज़ें, तो वो क्राइटेरियाज हैं कहीं ना कहीं, ठीक है. ऐसे ही मेंटल डिसऑर्डर्स को असेस करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज. जब हम एक एक डिसऑर्डर खोल खोल के पढ़ेंगे, विल डिस्कस मोर अबाउट दीज क्राइटेरियाज, ठीक है. नाउ टू शॉर्टन ऑल दोज पॉइंट्स, वी हैव 4 Ds ऑफ अबनॉर्मैलिटी. और इस पे एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है. व्हाट आर दी 4 Ds ऑफ अबनॉर्मैलिटी, और
What are the criteria for defining abnormal behaviors? Danger, yani ki risk to oneself and risk to others. Deviance, जो हमने बात की, statistical deviance हो सकता है या social norm से हट के कुछ हो सकता है, ठीक है? Then dysfunction, yani ki impairment in your day-to-day functioning. आप function नहीं कर पा रहे हो normally. And then distress, ठीक है? Now let's quickly do a brief history. शुरुआत कैसे हुई abnormal behaviors की? सबसे पहले जो explanation आया, that is demonic possession, यानी कि कुछ भूत प्रेत है, कुछ आत्मा है, कोई ill entity है जो harm पहुँचाना चाहती है. So जो पुराने लोग हैं, पुराने as in हमारे दादा दादी से भी पुराने लोग, Annabelle, that is not demonic possession, ठीक है? अब नॉर्मल साइकोलॉजी में उसको नहीं काउंट करेंगे, दैट इज़ पैरानॉर्मल साइकोलॉजी. एनी वे, सो सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन आया वो था डिमोनिक पोजेशन का. देर आर सम इल एंटिटीज, देर आर भूत प्रेत आत्मा सोल्स विच हैव अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसकी वजह से वो अबनॉर्मल बिहेवियर्स कर रहा है, ठीक है? और इसको ट्रीट किया कैसे किया जाता था, झाड़ फूक करवा दो, ठीक है, या हवन करवा दो. क्रिश्चियंस बहुत मानते थे उस टाइम पे कि एक्सॉर्सिज्म करवा दो, ठीक है? बहुत इल ट्रीटमेंट्स होते थे विच इवेंचुअली लीडेड टू डेथ्स ऑफ पीपल. इतना या तो किसी को नीचे से आग लगा दी, उसको उल्टा लटका दिया, एक्सट्रीमिज्म होता था. इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस? नहीं समझ आ रहा है तो मुझे सुनो, कुछ बोलना है तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स एंड देन स्पीक, ठीक है? सो दीज वर द इनिशियल एक्सप्लेनेशंस. और क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, एजुकेशन आई, देन देयर वॉज अ फिलोसोफर कॉल्ड हिपोक्रेट्स. इसका नाम सुना होगा सबने शायद. बायोलॉजी वाला कोई है इधर? आपने सुना होगा हिपोक्रेट्स का नाम? याद नहीं है बट सुना होगा, ठीक है? सो देन जब थोड़े से एजुकेशनल रेवोल्यूशंस होने स्टार्ट हुए, हिपोक्रेट्स आए, उन्होंने बोला कि कोई डिमोनिक पोजेशन नहीं है, कुछ भूत प्रेत आत्मा नहीं होती है, इट्स ऑल इन आर फिजिकल बॉडी. बुखार होता है, पेट खराब है, लिवर खराब है, फैटी लिवर है, वो बॉडी का पार्ट है. सिमिलरली जो अबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, दैट बिहेवियर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर बॉडी, स्पेसिफिकली आर ब्रेन, ठीक है? तो जब आपने फर्स्ट ईयर में माइंड बॉडी ब्रेन का डिफरेंस पढ़ा होगा, ब्रेन अलग है माइंड अलग है, राइट? ब्रेन इज़ अ फिजिकल एंटिटी जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो, राइट? सो हिपोक्रेट्स ने बोला कि भाई ब्रेन है एक सेंट्रल ऑर्गन, और उस ब्रेन में कुछ डिसफंक्शंस होंगे, कुछ वायरिंग गड़बड़ होगी, तो अबनॉर्मल बिहेवियर्स होंगे, राइट? तो ही स्टार्टेड अ मोर साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग अबनॉर्मल बिहेवियर्स. लेकिन ये कुछ ही लोग थे, तो जब कुछ लोग बोल रहे थे तो उनकी नहीं सुनी जाती. नाउ इवेंचुअली वी लैंड अप टू मिडल एजेस, जिसको डार्क एजेस भी बोलते हैं. यहाँ पे वापस से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, ठीक है? यहाँ पे चर्च का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आ गया, कि इफ़ एनीबडी इज शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ अबनॉर्मल बिहेवियर, उसको मंदिर चर्च मस्जिद लेके जाओ, एक्सॉर्सिज्म सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस कराओ, ठीक है? एंड देन दैट पर्सन इज क्योर्ड. पहले परमिशन कुछ नहीं होती थी, पहले अथॉरिटीज़ ही हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे, ठीक है? सो अगेन यहाँ पे वो सब चीज़ें स्टार्ट होगी. नाउ मिडिल एजेस इज़ आल्सो कॉल्ड डार्क एजेस. डार्क एजेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही सब चीज़ें हो रही थी जो पहले होती आई हैं, नॉट ट्रीटिंग पीपल विद मेंटल इलनेसेस एज इक्वल, ठीक है? क्विकली गो थ्रू द स्लाइड एंड देन वी विल मूव फर्दर. यस, क्या भूत प्रेत होते हैं नहीं होते? देखो देर इज, ये बहुत लंबी डिस्कशन है वैसे, बट जस्ट टू ब्रीफ इट अप, देर इज अ डोमेन कॉल्ड पैरासाइकोलॉजी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में समझता है. नाउ वी डोंट यूज द टर्म भूत प्रेत आत्मा, देर आर सोल्स, ठीक है?
बहुत सारी मोड्स ऑफ थेरेपी हैं जो इन सोल्स पर टैप करती हैं. ठीक है, चलो एनीवे ये स्लाइड पढ़ ली. आई थिंक ये थोड़ा पीछे वालों को दिख रहा है, आगे बढ़े. आई विल मेल इट जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे सिलेबस में. ठीक है, देन वापस से हम स्विच कर जाते हैं साइंटिफिक क्वेश्चनिंग की तरफ. कुछ साइंटिस्ट्स आए लाइक जॉन वेयर, विंसेंट डी पॉल. इन लोगों ने फिर से स्टार्ट किया साइंटिफिकली मेंटल इलनेसेस को समझना, और वापस इन्होंने हिपोक्रेट्स की फिलॉसफी उठाई कि इफ़ एनीबडी इज शोइंग मेंटल डिसऑर्डर्स देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडिली प्रोसेसेस. ठीक है, उसको एक फिजिकल इलनेस या फिजिकल डिजीज़ की तरह ही देखा जाना चाहिए. यहाँ पे ज़्यादा क्लिनिकल अप्रोचेस, एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस स्टार्ट हुई. ठीक है, अब क्योंकि लोगों को पता लग गया कि देर इज़ समथिंग फिजिकली रॉन्ग विद पीपल, तो हमें इनके लिए हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, विच वॉज़ अ गुड थाट. तो हमने मेंटल असाइलम्स खोले. नाउ मेंटल असाइलम्स में कुछ मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है. मेंटल असाइलम्स में मोस्ट ऑफ द पीपल विच हु आर वर्किंग ऑन दोज पेशेंट्स, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग दैम वेरी बैडली. ठीक है, चेन से बांध के रखते थे, ये होता था. आने में देखा है. सो मेंटल असाइलम्स हमने खोल दिए, हमने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स खोल दिए, लेकिन दे वर मोर ऑफ अ प्रिजन फॉर दोज पीपल. जैसे कोई बीमार होता है तो उसको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, तो इन्होंने वही थॉट से स्टार्ट किया कि लेट्स ओपन अ स्पेस फॉर दीज पीपल वेर दे कैन लिव सेपरेटली फ्रॉम द नॉर्मल कम्युनिटी, जहाँ पे उनको ट्रीट किया जाएगा. थॉट अच्छा था, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोसीजर सारे वही थे, मारना, पीटना, चेन से बांध के रखना. ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारे असाइलम्स या मेंटल हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश करने का कुछ बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा नहीं. देन देयर वर फ्यू पीपल लाइक पिनेल. पिनेल बायोलॉजी बैकग्राउंड से थे, ही वॉज अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट आई थिंक. उन्होंने बोला, ही गेव अ वेरी रेवोल्यूशनरी डिस्कशन. ही सेड कि लेट्स डू वन थिंग, हमारे जो असाइलम्स में पेशेंट्स हैं, हम इनको असाइलम से हटा के एक नॉर्मल डेली कम्युनिटी लाइफ में प्लेस करते हैं, एंड देन वी विल बेसिकली काउंसिल देम एंड टीच देम हाउ टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर. ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. अगर पिनेल का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ हो तो हम तो पढ़ नहीं रहे होते इस कॉन्सेप्ट को, बट क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट अप्रूव हो गया और वो एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा हिट था, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म, यानी कि इंसानियत पे फोकस करना. अगर एक पेशेंट है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसका सिर्फ एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, दैट्स नॉट इंटायर ह्यूमन इट्स इन इटसेल्फ. ठीक है, वो उसकी पूरी लाइफ को डिक्टेट नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज स्टोरी. तो व्हाई नॉट वी फोकस ऑन मोर ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस. हम इंसान को ट्रीट करने पे फोकस करते हैं, एंड लेट्स रीटीच देम सर्टेन थिंग्स. ठीक है, कि अगर आप एक सोशल सेटिंग में हो तो आपको कैसे बात करनी है, इफ़ समवन हैज़ अग्रेशन इशूज तो उस अग्रेशन को कंट्रोल कैसे करना है. तो यहाँ पे रीटीचिंग ऑफ लाइफ बिहेवियर्स स्टार्ट हुआ. एंड इस ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में हमारे दो मूवमेंट्स आए, जिस पे अगेन क्वेश्चन आता है, मॉरल मैनेजमेंट एंड मेंटल हाइजीन मूवमेंट. ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स में दो मूवमेंट्स बहुत फेमसली रन हुए. मॉरल मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स हम स्पिरिचुअल सेंस में उस इंसान को चीज़ें सिखाएंगे. ठीक है, स्पिरिचुअल सेंस में मीन्स हाउ शुड दे बिहेव इन अ सोशल सेटिंग, व्हाट आर देयर स्पिरिचुअल नीड्स, उनको मॉरल वैल्यूज सिखाना. अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में कैसे रहना चाहिए, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बेसिकली जो बच्चे को सिखाते हैं ना हम, कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है. सो ऑल दीज आर मॉरल मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो एक तो ये स्टार्ट हुआ कि हम इनकी मॉरालिटी पे, इनके सोशल बिहेवियर्स पे वर्क करेंगे, एंड वी विल टीच दीज पेशेंट्स हाउ टू रीलिव देयर लाइव्स, राइट. एंड द सेकेंड मूवमेंट इज मेंटल हाइजीन मूवमेंट, जहाँ पे स्पेसिफिकली डिजीज पर्सपेक्टिव से काम हुआ कि ठीक है, हम उनको सिखा तो रहे हैं कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो, लेकिन उस
अबनॉर्मल बिहेवियर का जो रूट कॉज है उसको भी तो ठीक करना है, राइट? तो यहाँ पे हम मेंटल वेलनेस की बात करते हैं. कुछ मेडिकेशंस आनी स्टार्ट हुई, लोगों ने उन पेशेंट से बात करनी स्टार्ट की, काउंसलिंग टेक्निक्स डेवलप होनी स्टार्ट हुई. बहुत धीरे धीरे हुआ ये प्रोसेस एंड इट टुक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू रीच वेयर वी आर टुडे. एंड इंडिया अभी भी बहुत लैक करता है इन सब चीज़ों में, ठीक है? सो इट्स अगेन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. सो ये दो मूवमेंट्स थे जहाँ से थोड़ा बहुत हमने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोचेस अडॉप्ट किए एंड द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम मेंटल असाइलम्स टू समथिंग कॉल्ड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. यानी कि एक इंस्टीट्यूशन से या एक मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाल के नॉर्मल कम्युनिटी में उन लोगों को प्लेस करना एंड देन रीटीचिंग देम सर्टेन मेथड्स ऑफ हाउ टू बिहेव, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से एंड सो ऑन. ठीक है, ये करने का मकसद ये था क्योंकि पिनेल साहब ने बोला कि हम मेंटल असाइलम्स में तो 200, 300, 400 सालों से रख ही रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग अभी भी अबनॉर्मल बिहेवियर्स फेस कर रहे हैं. तो मे बी वी शुड चेंज आर टेक्निक, मे बी वी शुड चेंज आर पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, सो यहाँ पे डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ. इसको अगर आप अपनी ही डेली लाइफ से रिलेट करो तो देर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे तारे ज़मीं पर, ठीक है, तारे ज़मीं पर, हालांकि वो एक स्पेशल स्कूल नहीं था, आई थिंक मैंने आधी ही मूवी देखी, पूरी नहीं देखी. वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी थे और हाँ, अब नॉर्मल एज इन पीपल विद डिफ़िकल्टीज़. इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आजकल हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत बात करती है कि वाई आर वी हैविंग सेपरेट क्लासेस फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. स्पेशल स्कूल्स क्यों हैं? एक सर्टेन एक्सटेंट तक होना ज़रूरी भी है, ठीक है, जब बहुत सीवियर केसेस होते हैं. बट वंस वी आर एबल टू अडेप्ट, वंस द चिल्ड्रन आर एबल टू अडेप्ट, उनको वापस नॉर्मल स्कूल्स में लाओ, क्योंकि आप पियर लर्निंग करोगे तभी बच्चा सीखेगा, राइट? यस मैम, समझ आया? सो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे फोकस हुआ. देन फाइनली द कंटेम्प्रेरी द साइंटिफिक अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग अबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट हुए ड्यू टू फोर रीजंस. बायोलॉजिकल डिस्कवरीज होनी स्टार्ट हुई, ब्रेन पे एक्सपेरिमेंट्स होने स्टार्ट हुए, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ठीक है. क्लासिफिकेशन सिस्टम बने. क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हो फीवर के लिए, आपने नोटिस किया होगा उसकी टेबल पे कितनी मोटी किताब होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि फीवर के क्या सिम्टम्स हैं, क्या टेम्परेचर होगा तो क्या डायग्नोसिस देना है, क्या मेडिसिन देनी है, कितनी रेंज में वो मेडिसिन देनी है, 100 mg देनी है, 500 mg देनी है. सो वो पूरी बुक, दैट इज़ बेसिकली द बेसिस ऑफ देयर एंटायर प्रैक्टिस. ऐसे ही साइकोलॉजी में दो हमारी मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, DSM एंड ICD. वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है. एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स. अब ब्रेन डिस्कवरी हो रही है तो भाई माइंड की बात भी होगी, ठीक है. साइकोलॉजी जब एमर्ज होनी स्टार्ट हुई, जब साइकोलॉजी लैब्स इस्टेब्लिश हुए, तो हमने अबनॉर्मल बिहेवियर्स को एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखना स्टार्ट किया. हो सकता है देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द हाउस होल्ड, ठीक है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, डिवोर्स के केसेस हैं घर में, या चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ है, बी इट सेक्सुअल अब्यूज़ और बी इट वर्बल अब्यूज़. तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं एड ऑन होती जाती हैं, विच इवेंचुअली रोल्स आउट टू अबनॉर्मैलिटी, ठीक है. कभी किसी पेशेंट से आउट ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग अगर आप बात करो तो कुछ ना कुछ रूट कॉज फैमिली का होता है, कुछ उसका लर्न्ड बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने देखा कि इफ़ आई गेट सैड देन पीपल विल है सर है देन पीपल विल लिसन टू मी. ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर है, व्हेन पीपल स्टार्ट डूइंग थिंग्स जस्ट टू गेन सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ फ्रॉम देयर डे टू डे लाइव्स. इसको फैक्टिशियस डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान एक्ट आउट कर रहा है, वो उसने इंटरनलाइज कर लिया है कि मैं ऐसा ही हूँ. That is also a kind of disorder. So every disorder has roots from both biology as well as psychology, your environment. ठीक है. And then finally experimental psychology develop होनी start हुई, जहाँ हम लोगों पर experiments करते हैं.
अब उतना नहीं होता है, बट पहले क्या होता था, आप लोगों ने रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट सुना है? वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है. स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट सुना है? दैट वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट, हालांकि वो बहुत सिवियर हो गया था, ठीक है. सो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स स्टार्टेड हैपनिंग विच गेव अस अ क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाट अबनॉर्मल बिहेवियर्स आर, ठीक है. अब क्योंकि आज भी हमारी आदत है कि हम हर चीज़ को सबसे पहले बायोलॉजी से जोड़ के देखते हैं. मन खराब हो रहा है या घबराहट हो रही है, विच इज़ अ सिम्टम ऑफ एनजाइटी, पेरेंट्स सबसे पहले क्या बोलते हैं, गैस हो रही है, ठीक है, थोड़ा वॉक कर ले, इनो पी ले. सो द वेरी फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ दीज सिम्टम्स. तो थोड़ा सा हम बायोलॉजी पे टच करेंगे कल के लेक्चर में, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट संडे के लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑन साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स. बायोलॉजिकल हम ब्रीफली कवर कर लेते हैं. नाउ दीज आर द कॉजल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है. इन तीनों को आज भी जब डायग्नोसिस होता है तो तीनों फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. क्या कोई ब्रेन इंजरी है जिसकी वजह से अबनॉर्मैलिटी हो रही है, क्या घर में कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से अबनॉर्मैलिटी हो रही है, या फिर उसका सोशल इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे उसके अबनॉर्मल बिहेवियर्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, राइट. जैसे ऑनर किलिंग्स, ऑनर किलिंग्स का कॉन्सेप्ट पता है सबको? इज एवरीबडी अवेयर अबाउट ऑनर किलिंग्स? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है या अप टू सम एक्सटेंट अबनॉर्मल भी है बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की फॉर द पर्सन. बट अगर आप गांव देहात में जाओ वहाँ बहुत नॉर्मली हो रहा है क्योंकि वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट इस चीज़ को प्रोपगेट कर रहा है. सो तीनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं इन डिफाइनिंग अबनॉर्मैलिटी, ठीक है. इतना समझ आया? पक्का? कुछ पूछना है? थोड़ा सा बायोलॉजी पे टच करते हैं, देन वी आर डन फॉर द डे. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम चार डिविजन्स पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज, टेम्परामेंट एंड ब्रेन डिसफंक्शन. इन चारों में से तीन पॉइंट्स तो आप लोग ऑलरेडी बता चुके हो जब हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था क्लास के स्टार्टिंग में. बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर का कॉज लाइज इन द ब्रेन और इन द फिजिकल बॉडी. सब कुछ फिजिकल है, सब कुछ मेजरेबल है, ठीक है. दीज आर द फोर थिंग्स. पहली है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी. इससे क्या समझते हो? जो पेरेंट्स से मिलती है, क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, ठीक है. आपको अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेट्स इनहेरिट हुए हैं, ठीक है, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल ट्रेट्स. आपने देखा होगा कि पीपल हु आर वेरी इंटेलेक्चुअली स्मार्ट, ठीक है, उनके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं. अगर वो कुछ और कर रहे हैं तो वो बाई चॉइस कुछ और कर रहे हैं, बट इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी स्मार्ट. ऐसे ही पेरेंट्स हु हैव डिप्रेशन, देर आर चांसेस कि बच्चे में भी वो जीन्स होंगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बच्चे को भी डिप्रेशन हो. अगर बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है तो रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी में, ऊपर से इन्वायरमेंट भी ख़राब है, तो वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं. सो बेसिकली योर जीन्स प्री डिस्पोज यू टू सर्टेन काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. एक एग्जाम्पल है आपका सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन. इसको याद नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम्पल है. देर आर स्टडीज ऑन दिस जिसने प्रूव किया है कि अगर ये जीन प्रेजेंट होगा तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, मूड डिसऑर्डर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो योर जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है. देन इज ब्रेन डिसफंक्शन. ब्रेन डिसफंक्शन यानी आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ है. जैसे प्री मेच्योर बेबीज होते हैं या डिफ़िकल्ट डिलीवरीज होती हैं तो कई बार द ब्रेन साइज रिड्यूसेस, या ब्रेन साइज, ब्रेन डिलीवरी के टाइम पे सर में कुछ इंजरी हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट हो गया कोई, या फिर कोई ट्यूमर है ब्रेन में. सो उस वजह से भी अबनॉर्मल बिहेवियर्स दिखने स्टार्ट होते हैं. दैट इज़ ब्रेन डिसफंक्शन. एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड न्यूरल प्लास्टिसिटी और न्यूरो प्लास्टिसिटी.
दिस बेसिकली मीन्स कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारा ब्रेन भी डेवलप हो रहा है. अगर आप नहीं, अगर किसी का राइट हैंड टूट गया, ठीक है, एक्सीडेंट में, देर आर मल्टीपल फ्रैक्चर्स, इवेंचुअली वो लेफ्ट हैंड से लिखना सीख लेगा. क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वायरिंग ऐसी है कि अगर कहीं पे कुछ ख़राब हुआ है, आर ब्रेन विल डेवलप न्यू कनेक्शंस, नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे जो कि हमें फैसिलिटेट करेंगे दोबारा रीलर्न करने के लिए चीज़ें. ठीक है, बीच में एक स्टोरी आई थी, 32-year-old अडल्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया, उसने कान में ईयरबड डाला एंड उसकी सारी लर्निंग उड़ गई. अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं, बट ही पुट एन ईयरबड इन टू हिज ईयर. वो अपना नाम भूल गया, ABCD भूल गया, सब भूल गया. ही इज़ अ 32-year-old मैन. ठीक है, उसकी वाइफ ने उसको ये सब चीज़ें दोबारा सिखाई और वो इसलिए सिखा पाई क्योंकि ब्रेन भी कॉन्स्टेंटली टू मेक अप फॉर द लॉस, वो कॉन्स्टेंटली नए कनेक्शंस बना रहा है, नए नर्वस सिस्टम आपका रीजनरेट होता रहता है. भूला भी होगा तो रिहैब सेंटर्स हैं. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट योर अबनॉर्मल बिहेवियर्स ऑल्सो एंड हाउ यू डील विद दोज अबनॉर्मल बिहेवियर्स. देन इज इम्बैलेंस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. सेरोटोनिन, डोपामाइन, इन सब के नाम सुने हैं अच्छे से. सो ये आपके कुछ हॉर्मोन्स हैं, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो एक रोल प्ले करते हैं. ठीक है, साइकैट्रिस्ट्स बिलीव दैट इफ़ योर सेरोटोनिन लेवल्स आर लो, अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन कम है तो यू आर एट अ हायर रिस्क फॉर डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स. अगर डोपामीन बहुत ज़्यादा हाई है, डोपामीन इज़ बेसिकली योर प्लेजर गिविंग हॉर्मोन, आपने अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि डोपामीन रिलीज़ हुआ है. अगर आप किसी बड़े उस पर बैठे हो, फेरिस व्हील पर बैठे हो, तो एक एक्साइटमेंट फील होती है ना, एक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पेट ऊपर नीचे जाता है, एक्साइटमेंट होती है, दैट इज़ बिकॉज डोपामीन रिलीज़ हुआ है, जिसको हम बोलते हैं किक मिल रही है. ठीक है, सो इफ़ योर डोपामीन लेवल्स आर वेरी हाई तो आप हमेशा ही हाई मूड में रहोगे, ओवर एनर्जेटिक. ठीक है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, अग्रेशन लेवल्स बढ़ सकते हैं. सो इम्बैलेंसेज इन योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन अबनॉर्मल बिहेवियर्स. ऐसे ही फॉर फीमेल स्पेसिफिकली थायरॉयड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग लो, आपने सारे टेस्ट करा लिए, अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखा लिया, नहीं पता लग रहा क्यों है डिप्रेशन या क्यों ऐसे आपको लो फील हो रहा है, देर आर नो हिस्ट्री ऑफ फैमिली ट्रामा, आपने कोई अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ नहीं किया है, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, मार्क्स अच्छे आते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हो, एवरीथिंग इज़ गुड, देर इज़ नो इनहेरेंट मीनिंग फॉर दैट डिप्रेसिव सिम्टम्स, तो अपना थायरॉयड टेस्ट कराया जाता है. ठीक है, तो आपके डॉक्टर्स आपको TSH लिखते हैं, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अगर आपके थायरॉयड लेवल्स ऊपर नीचे हैं तो भी वो मूड डिसऑर्डर में कॉज हो सकता है एक. ठीक है, एंड देन फाइनली टेम्परामेंट. टेम्परामेंट इज़ बेसिकली, हम जैसे बोलते हैं ना कि यार ये बचपन से ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है या ये बहुत हंसती रहती है, हमेशा चिल रहती है. सो टेम्परामेंट इज़ योर इनहेरेंट नेचर जो बचपन में ही डेवलप हो जाता है. बचपन इन द सेंस द मोमेंट यू आर बॉर्न और इवन व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम. ठीक है, तो एक इनहेरेंट सेट ऑफ पैटर्न्स और ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी दैट डेवलप्स. ठीक है, कोई बहुत अग्रेसिव है, वो उसका टेम्परामेंट है अग्रेसिव होना, उसका इननेट नेचर है, वो कितना भी ट्रेनिंग्स ले ले अग्रेशन कंट्रोल कर लेगा, कर पाएगा, क्योंकि लर्निंग आप करते हो बिकॉज ऑफ योर न्यूरल प्लास्टिसिटी, अभी हमने डिस्कस किया, लर्निंग हो रही है, लेकिन कहीं तो ऐसा पॉइंट आएगा जब वो बर्स्ट आउट हो जाएगा क्योंकि उसका टेम्परामेंट है वो. सो टेम्परामेंट्स आर बेसिकली रिलेटिवली स्टेबल ट्रेट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं. जैसे हिटलर था, हिटलर को कितनी भी थेरेपी दे देते वो नहीं सुधरता क्योंकि उसका टेम्परामेंट था, बिकॉज ही हैज़ दैट सर्टन काइंड ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़. ठीक है, ऐसे महात्मा गांधी, उनका नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी थी या वो खुद बड़े शांत थे तो वो उनका नो पॉलिटिकल ओपिनियंस प्लीज़ तो वो उनका टेम्परामेंट था. ठीक है, सो ऑल दीज फोर क्राइटेरियाज आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं विच हेल्प यू इन डिफाइनिंग अबनॉर्मल बिहेवियर्स
फ्रॉम अ बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट. ठीक है, अभी हमने सिर्फ ब्रेन, बॉडी, हॉर्मोन्स, न्यूरल प्लास्टिसिटी, इन सब के बारे में बात की है. ठीक है, कुछ पूछना है? कम होगा मोस्टली केसेस में, मोस्टली डिप्रेशन के केसेस में सेरोटोनिन कम होता है. हो सकता है इम्प्रूवमेंट आए, हो सकता है साइड इफेक्ट्स. हाँ देखो यार, अब हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स तो होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम अब नाउ व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग, हम साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साथ साथ थेरेपी भी देते हैं. सो वी फॉलो अ डुअल अप्रोच. और वैसे भी हम अभी सिर्फ बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं. जब आप साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, अगर आपको परस्यू करना है तो आप जब पेशेंट से बात करेंगे तो आप सिर्फ उसकी बायोलॉजी नहीं जानेंगे, आप उसका चाइल्डहुड कैसा था, स्कूल ईयर्स कैसे थे, पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे थे, तो आप एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट लेके चलते हो हमेशा. यस, ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, एक बैलेंस में होना चाहिए. हाँ, अरे हॉर्मोन्स तो प्रेजेंट होते हैं, हॉर्मोन्स आर. हाँ यस, एक मिनट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक है, अटेंशन डेफिसिट यानी कि वो अटेंशन नहीं दे पाएगा बहुत बहुत देर तक एक पर्टिकुलर चीज़ पे. हाइपर एक्टिविटीज इधर उधर भागना, ओवर एनर्जी लेवल्स, तो ये छोटे बच्चों में देखा जाता है. ठीक है, बोलो बेटा. गुड क्वेश्चन. मोस्टली डोपामीन इज रिलेटेड टू योर फिजिकल प्लेजर, मेंटल प्लेजर. मेंटल प्लेजर जो आपको एक्साइटमेंट फील होती है. हाँ हो सकती है, बट उसमें डोपामीन का रोल उतना नहीं होगा. उसमें एक और आपका हॉर्मोन होता है ऑक्सीटोसिन. और मैम जैसे कि आपने बोला कि सबके अंदर अलग-अलग होते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं, जो लोग ट्राइंग टू बी क्यूट बनने की कोशिश करते हैं तो वो किसी. एक मिनट रुक जाओ. हां मैम, ओसीडी क्यों होता है, मतलब जीवन में ओसीडी का कारण क्या है? ओसीडी का कारण क्या है? देखो ये वैसे तो आपके सेकंड या थर्ड यूनिट में है, बट क्योंकि आप लोगों को क्यूरियोसिटी है, OCD is obsessive compulsive disorder. ठीक है, बताएंगे सर. OCD simply means आपको कोई repetitive thought आता है, ठीक है, और आपको लगता है कि अगर मैंने उस thought पे act नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, तो you are obsessed about some thoughts. ठीक है, जैसे लोगों को साफ सफाई का होता है, usually इसी example से समझाया जाता है कि अगर आपको constantly thought है कि यार मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं या मेरे आसपास का एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, तो आप बार बार उस थॉट को टोन डाउन करने के लिए उस पर एक्ट आउट करोगे, आप बार बार हाथ धोओगे. ठीक है, बता रहे हैं समझो स्टेप बाय स्टेप. मोस्टली ये अराइज होता है योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. अगर आप इसको फ्रॉइड, आपने साइकोडायनेमिक पढ़ा है, फ्रॉइड का पर्सपेक्टिव पढ़ा है, याद नहीं है लेकिन ठीक है. तो फ्रॉइड साहब बोलते हैं कि क्योंकि आपके बचपन में टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए ये डेवलप होता है ओसीडी आगे जाके, हैंड वॉशिंग का ओसीडी स्पेसिफिकली. एक साइड ऑफ फिलोसोफर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो मानते हैं कि इफ़ योर पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, इफ़ योर पेरेंट्स हैव आस्क्ड यू टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ये कैसे कपड़े पहन लिए, ठीक से पहन के आओ, अचार का दाग लग गया अभी चेंज करो, ठीक है, तो वो आपने इंटरनलाइज कर लिए वो चीज़. बचपन में अगर आपको जो चीज़ें बोली जा रही हैं व्हेन यू आर 3, 4, 7 ईयर्स ओल्ड, आपने बड़े होके वो चीज़ें इंटरनलाइज कर ली हैं अनकॉन्शियसली. अब आप कुछ नहीं भी होगा ना, अगर आपकी शर्ट पे हल्का सा भी कुछ हो जाएगा, आपको इमीडिएटली आपका दिमाग दौड़ेगा कि यार फटाफट चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, सो योर पास्ट एक्सपीरियंसेस स्पेसिफिकली योर पेरेंटल अपब्रिंगिंग मैटर्स अ लॉट. घर जाके एनालाइज मत करने लग जाना अपने पेरेंट्स को. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ट्रांसमिट होता है, नहीं जेनेटिक भी होता है. हमने एक जीन की बात की थी जिनका नाम भूल गई मैं, देयर इज़ वन जीन इन्वॉल्व. वो जीन होता है सब में, ठीक है, बट अगर वो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, दैट मींस वो जीन आपकी बॉडी में है, यू आर एट रिस्क. लेकिन वो तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपका इन्वायरमेंट भी उसको इन्फ्लुएंस ना कर रहा. मान लो योर पेरेंट्स, Someone's parents had depression,
बच्चे में वो जीन आया, लेकिन उन्होंने एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिया अपने बच्चे को, ठीक है, पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है, पढ़ने में बच्चा अच्छा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, पैसे से भी सब कुछ ठीक है, कोई सेक्शुअल वर्बल अब्यूज़ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ गुड, एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, तो वो जीन आपकी बॉडी में रहेगी बट आपको डिप्रेशन नहीं होगा. नाउ इफ़ द जीन इज़ देयर एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग, एनवायरमेंट भी कॉन्स्टेंटली कुछ अब्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं लाइफ में कंटिन्यूसली, तो एनवायरनमेंट जब प्ले आउट करता है तब ये डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं. सो जीन्स आर ऑलवेज देयर इन आर बॉडी, इट्स जस्ट दैट वो ओवरली एक्सप्रेस नहीं हो रहा क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इज़ वेरी चिल एंड वेरी गुड, ठीक है. तो दोनों पर्सपेक्टिव्स मिक्स होके हम डायग्नोसिस देते हैं. DSM-5 TR आपको खरीदनी नहीं है, खरीद मत लेना, वो पता है. ऑनलाइन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, इट्स अ वेरी हाई लेवल की तो है, ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लिमिट में पढ़ना, ठीक है, ये नहीं कि पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर रहे हो, पजल्ड भी हो जाओगे प्लस देर इज